What was your strategy for IAS prelim exam? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो इंटर मैथ्स का है और मेरा पीजी इकोनॉमिक्स है, तो मुझे प्रारंभिक परीक्षा में विशेष दिक्कत नहीं थी. फिर भी मैंने अनसीन प्रैक्टिस और जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन थे उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था और उन पर स्पेशल फोकस किया था ताकि मेरे टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए. What was your strategy for CSAT? CSAT के लिए मैंने कॉम्प्रिहेंशन को तेजी से करने और बचे टाइम का प्रयोग मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किया था. What was your strategy for paper 1 in IAS prelim? जो इस समय प्रीलिम्स का जीएस का फर्स्ट पेपर आ रहा है उसमें करंट से ज़्यादा ट्रेडिशनल पर फोकस होता है, तो हमें इंडिया ईयर बुक और पॉलिटी और हिस्ट्री पर के जो ट्रेडिशनल पोर्शन है उस पर स्पेशल फोकस करना चाहिए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो. इसके अलावा इकोनॉमी और अप्लाइड साइंस, अगर इन चीज़ों पर हम फोकस करें तो जीएस के फर्स्ट पेपर में अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है. What do you think about the changed pattern of IAS prelim exam? मेरा मानना है कि ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है क्योंकि इससे स्टूडेंट को किसी सभी स्टूडेंट एक ही बेस पर हैं. हर स्टूडेंट को पहले अलग अलग ऑप्शनल में अलग अलग तैयारी करनी पड़ती थी, लेकिन जो अब स्टूडेंट का इवेल्युएशन होता है वो एक ही बेस पर होता है, सीसेट और जीएस. और कहीं ना कहीं अब आपके पास जो समय बचता है वो आप मुख्य परीक्षा के लिए दे सकते हैं. Is prelim the toughest part of the entire examination process? ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो उसे कठिनतम बनाता है या सरलतम. मुझे लगता है ये सरलतम हिस्सा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए अब आपको विशेष परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं उसी क्रम में आपकी प्रारंभिक परीक्षा की प्रथम जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी हो जाती है. और सीसेट का जो कॉम्प्रिहेंसन का पोर्शन है, अगर आप डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं या अपना न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है. आपको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है. और हिंदी माध्यम के छात्रों को सीसेट के पेपर में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कम से कम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर डेली रीडिंग करिए ताकि जो एग्ज़ाम में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन आते हैं उसमें आपको दिक्कत ना आए.